क्या चल रहा है? सबको SRX से कैसे इंस्पिरेशन मिल गई है? ये विकेट इंपॉर्टेंट विकेट थी भाई मैच के हिसाब से। पहले ही ओवर में जडेजा को ला दिया हूं मैं। तो आज सामने तुषार देशपांडे और सामने है रोहित शर्मा भाई इन CSK वर्सेस मुंबई। पहली बॉल रोहित शर्मा गोस फॉर अ सिक्स। यार ये क्या हो रहा है रोहित भाई? पहली बॉल पर सिक्स लगा के आपने अच्छा नहीं किया। दूसरी गेंद आराम से सिंगल लिया, ठीक है। चलो ईशान किशन के खिलाफ मैं बाउंसर का प्रयास करूंगा। बाउंसर नहीं आने की, शॉर्ट पिच गेंदबाजी थोड़ी सी। यहां पर भी पहली बॉल सिक्स लगा दिया। पिच में कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है यहाँ पे पिच में। तो स्लोअर वन डालता हूँ, इस पे भी कोई मदद नहीं है। कोर बाउंड्री, 17 रन आ गए हैं पहले ओवर में। लास्ट बॉल है ये भाई, एक और चौका पहले ओवर में, 21 रन आए हैं। सामने रोहित शर्मा है, शॉर्ट पिच तो डालनी नहीं है। शॉर्ट पिच डाली तो ग्राउंड के बाहर। अबे रोहित भाई आप कैसे ऐसे खेलने लग गए? ये चीटिंग है यार। कोई नहीं कोई नहीं, क्या विकेट आ रही है यहाँ पर? खुशबू तो नहीं आ रही, छे की आ रही थी खुशबू। बैक फुट से खेला है ये शॉट, बढ़िया। अभी तक तो ये भी ओवर 13 रनों का हो गया है। ईशान किशन ने कहा कैसे कैसे, एक और सिक्स, बहुत बढ़िया। दो ओवर में 40 रन पड़ गए यहाँ पर, यार ये गंदी बात नहीं है। अभी एक और सिक्स है ये भाई, क्या चल रहा है? सबको SRX से कैसी इंस्पिरेशन मिल गई है ये? अबे रियल क्रिकेट 24 सही करो यार, इसको हार्ड कोर में बहुत मुश्किल हो जाता है ये। ओह ये भी विकेट, एज लगाया, टॉप एज, और यहाँ पे विकेट मिलती हुई। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे फंसाया बल्लेबाज को, ईशान किशन को चलता गया है। अरे वन बाउंस बाद में देना, विकेट मिल गई। विकेट के बाद ना रन रेट कम हो गया है, और यही चाहिए था हमें, रन रेट कम विकेट के। रोहित भाई क्यों सुनते हो मेरी बातें, क्यों सुनते हो? 58 रन हो चुके हैं मुंबई के देखते ही देखते, और यहाँ पर कैच हो सकता है। अरे नहीं, सिंगल मिलेगा। आई थिंक मैं तिलक वर्मा को एक शॉर्ट पिच डाल सकता हूँ। तिलक वर्मा तो शॉर्ट पिच बढ़िया नहीं खेलता ना। खेलता है 4 रन। चलो ठीक है, ये भी महंगा ओवर ही है। ओह लप्पेबाजी थी ये तो, मिस हो गए। तो आएंगे भाई मिचेल सेंटनर, इनका एक ओवर कराता ही हूँ मैं पावर प्ले में, देखते हैं क्या सेंटनर भाई चौका खाएंगे पहली बॉल पे। मैं विकेट बोलने वाला था, रोहित शर्मा को आउट करना जरूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे विकेट आ गई है बिल्कुल, लेट्स गो। रोहित शर्मा को आउट किया है यहाँ पर मिचेल सेंटनर ने। ये विकेट इंपॉर्टेंट विकेट थी भाई मैच के हिसाब से। हिटमैन 15 बोलों पे 40, अपना काम कर गए हैं वो, स्टार्ट बढ़िया दिला गए हैं। अब कौन है, सूर्य कुमार यादव आ गए हैं। टॉप स्पिन डालूंगा मिचेल सेंटनर, चौका खाएंगे, कौन चौका? तिलक वर्मा के बल्ले से। अभी तक सिर्फ 5 रन आए हैं इस ओवर में, एक भी बाउंड्री नहीं आई है। तिलक वर्मा है सामने, मेरे कहते ही छक्का लगा दिया, क्या उसने चौका लगा दिया। ओके रविंदर जडेजा आ गए हैं अपना पहला ओवर डालने, क्या करेंगे जड्डू? पहली बॉल हवा में गेंद और सिंगल है। सूर्य कुमार यादव अभी आराम से खेल रहे हैं, और यहाँ पे क्या विकेट आ सकती है? बिल्कुल भाई, जडेजा ने यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया है। इंपोर्टेंट मैच था ना, सूर्य भाई कैसे खेलने पे पड़ी है, 110 का स्ट्राइक रेट। सूर्य भाई फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है, मैं इधर से कॉल करो, मेरा फोन उठा ले। हार्दिक पांड्या आ गए हैं, अब कप्तान खुद आए हैं यहाँ पर। मोइन अली आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, पहले ओवर में 13 रन दिए थे पर वो ओवर पावर प्ले में था। यहाँ पर पावर प्ले के बाद भी पहली बॉल चौका हार्दिक पांड्या, क्या यहाँ पे एक और विकेट आएगी? एक विकेट तो आनी चाहिए, वो बढ़िया शॉट है। अबे चौका है यार, ये कट था ये। कम ऑन ड्रिफ्टर डाल के देखता हूँ, लास्ट बॉल है जड्डू की। ओए भाई हार्दिक पांड्या ने क्या शॉट लगाया, ये क्या यहाँ पे विकेट आएगी? ओबे हार्दिक भाई क्या हो गया, हार्दिक भाई को क्या हो गया यहाँ पर? ओके शार्दुल ठाकुर आए हैं, देखते हैं शार्दुल ठाकुर क्या हमें विकेट दिला पाएंगे। नहीं, पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या क्या खेल रहा है यार, ये तो आज मिडल ऑर्डर्स में भी स्लो नहीं हो रहे, ये तो बहुत तेज खेल रहे हैं। एक और 4 रन भाई, क्या आउटस्विंग डाली है इस बार, शॉट लगाया तिलक वर्मा ने, ड्राइव लगाई है 4 रन। अरे यहाँ पर क्या बारिश आने वाली है, क्योंकि बादल आ चुके हैं, और ये लोग इसलिए तो नहीं तेज खेल रहे थे कि इनको पता था बारिश आने वाली है। चलो भाई जडेजा का ये काफी सुंदर ओवर है, लास्ट बॉल है, और इस पे चौका पड़ गया यार। आगे वाली गेंद बैक फुट से खेल रहा है वो तिलक वर्मा। तिलक वर्मा 49 पर है 30 बॉलों पर, ये स्लोअर वन डाली है मैंने, और इसी सिंगल के साथ भाई तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी।
सेंटनर आ गए हैं और बारिश भी आ चुकी है यहाँ पर। अरे बारिश आ गई, मुंबई में बारिश कभी भी आ सकती है, तो इसलिए सेंटनर का ये ओवर बढ़िया तरीके से निकालना पड़ेगा। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है, अगर यहाँ से हमें एक विकेट मिल गई ना तो बहुत बढ़िया रहना है। अरे यार चौका नहीं बोला था तिलक वर्मा, मैंने विकेट कहा था। और यहाँ पर अंपायर बातचीत करते हुए, क्या मैच को रोका जाएगा, बारिश रुक गई है शायद से। ओहे तो यहाँ पे मैच को बंद कर दिया गया है बारिश के चलते, और भाई मैच को जो है 16 ओवर का कर दिया गया है। अरे कितने ओवर रह गए भाई, एक ओवर बचा है बस। ओके 174 बहुत होती हैं। लास्ट ओवर किससे कराऊं, जड्डू से करा रहा हूं मैं, क्योंकि 174 16 ओवर में है। अब लास्ट एक ओवर अभी भी बचा है और पहली बॉल पे सिंगल है, यानी कि मेरे को पावर प्ले भी कम ओवर का मिलेगा। अरे भाई ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है, पावर प्ले मेरे को फिर 3 या 4 ओवर का मिलेगा बस। ओके लास्ट बॉल है जड्डू की ये, और इस पारी की भी लास्ट, 180 बन गए हैं। यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा, कितने रन, 2 या 3। अरे यार पकड़ सकता था वो, खामा खा डाइव लगाई है उसने, लेकिन 2 ही रन चुराए हैं। तो मुंबई इंडियंस ने बनाए हैं 182 16 ओवर में, ये एक जन्म के हैं। तो चेन्नई को टारगेट मिला है बहुत बड़ा, 96 बॉल पे चाहिए 193 रन। पहली बॉल से यहाँ पर ना कुछ आशीजी पाजी खेलनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से ऋतुराज गई। ऋतुराज ने पहली बॉल पे 4 रन, मेरी जीभ लड़खड़ा गई, लेकिन चौका मिल गया। अरे मुंबई ने तो 182 रन बनाए हैं ना, तो ये 194 क्यों दिखा रहा है। लेकिन कोई नहीं, अभी भी बुमराह है सामने, एक बार और पीछे को लगाया है, इस पर डबल मिलेगा, डबल मिलेगा। ये क्या है भाई, 182 बनाए हैं वहां पर मुंबई ने। चलो ठीक कोई नहीं, 192 बना लेंगे, हमें कौन सा दिक्कत है भाई, 192 बना लेंगे। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। मोइन अली है, इंपैक्ट प्लेयर का यूज भी करूंगा आज तो मैं, आज तो भाई इंपॉर्टेंट मैच है। रिक्वायर्ड 112 का चल रहा है यहाँ पर, 6 रनों का ओवर है ये, बहुत बढ़िया बुमराह भाई। हकर या जमा, जड्डू आए हैं आज, पहले ही ओवर में जडेजा को ला दिया हूँ मैं। कोर्जी देखते हैं कोर्जी कहां पर डालेंगे। अरे ये गेंद बाहर जा सकती है, बिल्कुल कनेक्शन बैठा है और 4 रनों के लिए बैठा है, बल्ला तो रुकने नहीं वाला। कुछ ऐसे ही खेलना पड़ेगा। एक और बाउंड्री आएगी क्या, यहां पर कोई फील्डर नहीं है पीछे, एक और 4 रन। रचिन भाई आपको स्ट्राइक तो मिल गई है, तो मारना भी है कुछ। ओ शॉट है रचिन नविंद्र, पहली ही बॉल पे 4 रन बटोरे। बुमराह को भी ना टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। यहाँ पे सिंगल है, ओ नहीं 4 रन, गैप में गेंद और एक और चौका। ओके रचिन भाई इस बॉल पे भी लगा सकते हो क्या, लगा है, बाउंड्री तक जाएगा, बिल्कुल बाउंड्री तक जाएगा, एक और 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री आ रही है अब। लेकिन क्या जड्डू भी लगा पाएंगे यहाँ पर, ओए पैड पे लगी है, भाग लो। बहुत तेज गेंद है ये, बहुत तेज गेंद है, तो इसलिए मैंने पहले ही पढ़ ली थी, बहुत तेज गेंद थी। एक और बाउंड्री यहाँ पर, कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आए हैं यहाँ पर। ओए कहाँ पर डाल रहे हैं ये बॉल, ओके हार्दिक भाई बाहर जाएगी, पहली बॉल 6 रन। एक और बाउंड्री आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, गैप में गेंद, इस पर रविंद्र जडेजा। रचिन रविंद्र क्या लगा सकते हैं इस बॉल पे, लगा है। अरे भाई लेट टाइम हो जाए तो हाथ में, क्या दिक्कत है यार, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके मिचल आ गए हैं, इनका सही गया है अभी तक आईपीएल हमारे लिए। वो इंपैक्ट प्लेयर का यूज हो रहा है यहाँ पर, मुंबई से आए हैं गोपाल सूर्य कुमार यादव के चलते। ओके इंपैक्ट प्लेयर पहली बार सामने वाली टीम ने यूज किया है भाई। 12 का रिक्वायर 100 चाहिए, ये बॉल बाहर जाएगी, बिल्कुल 4 रनों के लिए तो जाएगी, कम से कम 6 नहीं आ रहे, चौके मिल रहे हैं। अबे यॉर्कर है ये, यॉर्कर है लेकिन बाहर जाएगी, बढ़िया कनेक्शन मिचल का, 4 रन है, एक ओवर, बढ़िया ओवर है। इस ओवर को चौके छक्के के साथ, अबे यार ये हार्दिक भाई यॉर्कर ही डाल रहे हो, चलो फिर बाहर, बहुत हो गया, पैर पर 3 बोले डाली है पिछली। ठीक है 11:30 का जड्डू भाई, रिक्वायर 100 चाहिए, हवा में गेंद गई है, 4 रन एक ओवर बटोरा है, स्कोर आ रहे हैं भाई यहाँ पर। अबे ये बॉल ना बाहर जा सकती है, ये बॉल बाहर जा सकती है, बिल्कुल गई है 6 रनों के लिए। इंपैक्ट प्लेयर का इंपैक्ट पड़ने ही नहीं देना, हार्दिक पांड्या खुद ही आ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बॉल बाहर जाएगी क्या, 2 रन, अरे 3 मिलेंगे। ठीक है यहाँ पे 3 रन के साथ जडेजा की हाफ सेंचुरी हो गई है भाई। हार्दिक पांड्या गति नहीं दे रहे, लेकिन कोई नहीं, गति रहने दो।
एक और विकेट डैरिल मिचेल सेट थे भाई, बढ़िया पार्टनरशिप थी। यहाँ पे दुबे आ चुके हैं, दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या भी हो गया है, ले लो। बढ़िया बढ़िया दुबे भाई, पहली गेंद कनेक्शन बढ़िया नहीं हुआ, डबल यहाँ पर चुराएंगे, अर्ली लगाए, ओके थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है, अभी भी यहाँ से ना स्कोर लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, कुछ इस तरीके की बाउंड्रीज आएगी तो यहाँ पे लग सकते हैं। यहाँ पर स्पिनर है दुबे भाई, स्पिनर आपकी तो ताकत है दुबे भाई, स्पिनर बिल्कुल ताकत है, ऐसे ही कुछ शॉट और ये चार रन है, बिल्कुल यार 42 बॉलों पे यहाँ पर हमें स्कोर तो तगड़ा ही चाहिए। लेकिन हार्दिक पांडे यॉर्कर डालने से नहीं हट रहे, तो हम चौके मारने से नहीं हट रहे, मेरे को जहां पर गैप मिल रहा है ना मैं वही मारूंगा, जैसे कि ये एक और छह, बहुत लंबा, इस पे तो लगना चाहिए, लगा है बाउंड्री के लिए लगा है, बिल्कुल टाइमिंग मेरे को याद होगी इस शॉट पे। दुबे क्या लगा पाएंगे, एक शॉट लगाना है दुबे भाई, कुछ इस तरीके से दुबे भाई 6 रनों के लिए, ओ क्या शॉट था ये, ये बाहर जा सकती है, ये बॉल बाहर जा सकती है अगर परफेक्ट टाइम हुई, नहीं टाइमिंग नहीं हुई, जड्डू आउट हो गए। लेकिन एक बहुत बढ़िया पारी जडेजा की, 34 बॉलों पे 67 रन आ गए हैं धोनी, इस पे अगर टाइमिंग परफेक्ट हुई तो बाउंड्री मिल सकती है, और मिल गई है पहली बॉल पर 4 रन, MS धोनी ने खाता खोला चौके के साथ। कमन दुबे भाई आप भी लगा दो, एक गैप में गई है, गैप में गई है 4 रनों के लिए गई है, लेकर आओ भाई बॉल लेकर आओ, अब एक बाउंड्री, कमन महेंद्र सिंह धोनी एक बाउंड्री क्या आ गई, बिल्कुल आ गई, कोई फील्डर ही नहीं है वहां पर, मिस टाइम लेकिन 4 रन, धोनी भाई एक बाउंड्री और चाहिए, कुछ इस तरीके से लग गया है और ये 6 रनों के लिए है, पिछला बार टाइमिंग नहीं हुआ था लेकिन इस बार सीधा ग्राउंड के बाहर। बुमराह आ गए हैं, क्या करेंगे बुमराह, यॉर्कर्स का प्रयास करेंगे, 18 बॉलों पे अभी भी चाहिए 21 रन, सामने है शिवम दुबे, पहली बॉल 4 रनों के लिए मारी है शिवम दुबे ने, बिल्कुल भाई यॉर्कर लेंथ ही थी ये, लेकिन ये भी बॉल टाप जाएगी क्या, बिल्कुल टाप गई है, एक और बाउंड्री, 17 पे 17 चाहिए थे, अब तो रन अप बॉल से भी आगे निकल गए हम भाई। लेकिन अगर हम ऐसा ही खेले तो हैदराबाद जैसी बैटिंग तो हमने भी कर दी है, क्योंकि 13वां ओवर ही चल रहा है और स्कोर हमने काफी ज्यादा लगा दिया है। कम ऑन, क्या बाउंड्री, ओए कहां पर, ओके ओके इस पे ये वाला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ग्राउंड के बाहर वाला लगेगा ये, शिवम दुबे 18 बॉलों पे 49 रन्स, ओ भाई दुबे ने अपनी जैसी पारी, ये पारी चाहिए दुबे भाई आपसे, कम ऑन 5 रन चाहिए, सिर्फ 5 रन चाहिए, चीटिंग हुई फिर भी हम जीतने वाले हैं, यहाँ पर कोई कोई परवाही नहीं है, ये क्या ये 6 है, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर आ रहा है और इस बार विकेट मिल गई, लेकिन दुबे लेकिन 19 बॉलों पे 49 पर आउट हुए हैं, अपना काम कर गए, हाफ सेंचुरी नहीं आई लेकिन शिवम दुबे हो पे, कम ऑन धोनी भाई चौका है, ओबे बैक टू बैक विकेट आ गई, बाउंड्री से नहीं, मैं सिंगल से ही खत्म करूंगा, मेरे को रिस्क नहीं लेना, सिंगल से खत्म करेंगे हम सेंटर, ओ, ओ पैड पे लगी है, पैड पे लगी है, लेकिन यहाँ पे चेन्नई जीत गई है, थ्रो मारो मैं डबल भी ले लूंगा, लो भाई 1 रन एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, तो चेन्नई 1/3 विकेट, क्या जबरदस्त मैच गया है ये, 194 का टारगेट हमने चेस कर लिया, 194 का। अगर स्टैंडिंग की बात करें तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे स्थान पर, बढ़िया काम है, बढ़िया है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी तुम लोगों को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।